आइए बढ़ते हैं आगे, प्लाईवुड कंपनियों पर एक रिसर्च है आपके लिए। प्लाईवुड कंपनियां बड़े एक्सपांशन कर रही है, ग्रोथ के बड़े टारगेट लेकर चल रही है, कुछ इसी सेक्टर की पूरी रिसर्च की। हमारे साथ है अरमान इस वक्त तैयार। अरमान बताइए क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं प्लाईवुड सेक्टर में? जी सर, सर ये स्टॉक्स जैसे ये कंपनियां ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज और सेंचुरी प्लाईवुड प्लाईवुड, इन सब की मैंने एनुअल रिपोर्ट्स और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखी, तो एक इंटरेस्टिंग चीज इन सब में क्यूमुलेटिव आती हुई दिखी है। एक तो कि ये सारी कंपनी अपने फ्यूचर के आउटलुक को देख के काफी बुलिश हैं और उसी के साथ साथ बड़े कैपेक्स कर रही है। अब मैं आपको टर्न बाय टर्न कंपनीज के जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं उसमें क्या लिखा है वो बताता हूं। ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज की जो FY22 की एनुअल रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि वो FY26 तक जो FY21-22 में जो उन्होंने रेवेन्यू किया था उसका 3 गुना रेवेन्यू जो है वो क्लॉक इन कर देंगे। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगले 2-3 साल में वो 950 करोड़ का निवेश कैपेक्स करने वाले हैं। अब ये डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अगले इनके पिछले 30 साल का डेटा देखेंगे तो पिछले 30 साल में इन्होंने 840 करोड़ का कैपेक्स किया था और अब ये बोल रहे हैं कि हम आने वाले 2-3 साल में 950 करोड़ का कैपेक्स करने वाले। और उसी के साथ साथ उन्होंने एक और चीज एनुअल रिपोर्ट में लाइन बोली कि कंपनी पिछले दशकों की ग्रोथ, जो पिछले दशकों में इन्होंने पिछले 2-3 दशकों में जितनी ग्रोथ कमाई है वही वाली ग्रोथ आने वाले सिर्फ 2-3 या 5 साल में लगभग पूरी वो ग्रोथ है उसको पूरा वापस रिवाइज कर देंगे, उतनी ही ग्रोथ वापस लेके आ जाएंगे। अब ये वाली बात हुई ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज की। अगर आप सेंचुरी प्लाईवुड की अगर आप Q1 FY23 का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे उसमें उन्होंने एक और बात ये बात कही कि अगले 2-3 साल में कंपनी लगभग 900 से 1000 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है। और ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इनके पिछले 8 साल का अगर डेटा देखेंगे तो पिछले 8 साल में उन्होंने लगभग 1180 करोड़ का कैपेक्स करा है और अब ये बोल रहे हैं कि आने वाले 2-3 साल में ही हम 1000 करोड़ के आसपास का कैपेक्स करने वाले हैं। अब ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं जिसमें FY22 के एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने एक जनरल मार्केट का ओवरव्यू देते हुए बात कही है, कुछ चीजें बहुत अच्छी कही है, जैसे कि प्लाईवुड मार्केट को अगर आप देखेंगे कि जो अभी मौजूदा प्लाईवुड मार्केट है वो लगभग 19,600 करोड़ का है। अब इसमें अनऑर्गेनाइज का जो शेयर है वो काफी ज्यादा है। अब जैसे कोविड के बाद से जैसे जैसे और अगर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इसमें ऑर्गेनाइज का जो शेयर है वो काफी बढ़ेगा और वो ये कह रहे हैं कि आने वाले 4 या 5 साल में ये जो प्लाईवुड का मार्केट है वो बढ़ के 30,000 करोड़ हो जाएगा। उसी के साथ साथ MDF का मार्केट भी 3,200 करोड़ से बढ़कर 5,000 करोड़ हो जाएगा। अब ये वाली बात तो इन सारी कंपनीज से एनुअल रिपोर्ट और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी दिखी हमने कि इन सारी कंपनीज में अगर आप इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देखेंगे पिछले 4 क्वार्टर में लगातार बढ़ी है। ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज की अगर आप पिछले 4 क्वार्टर की इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देखेंगे तो 16.4% से बढ़कर 19.9%, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर भी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 25.7% से बढ़कर 27.7%, और सेंचुरी प्लाई की अगर देखेंगे तो वहां पर भी 18.2% से बढ़कर 19%। तो ये पूरा ओवरव्यू है कि कंपनी के एनुअल रिपोर्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, सब कैपेक्स कर रहे हैं, अच्छी डिमांड और इंस्टीट्यूशनल भी अपना हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं इसमें। ओके, तो ये है प्लाईवुड शेयरों पर पूरी रिसर्च। आइए हमारे साथ है ही शरद जी, एक बार जरा उनसे राय ली जाए, ज्यादातर प्लाईवुड कंपनियां उनके इलाके में ही है, कलकत्ता नॉर्थ ईस्ट उधर काफी बड़ा बिजनेस है, बड़े प्लांट्स हैं। शरद जी कुछ पसंद है आपको इस सेक्टर पर, कुछ कंपनियों पर कोई राय है तो बताएं सर। स्पेसिफिकली कुछ ऐसा पसंद तो नहीं है बट जनरली स्पेस में क्या है, ये डिमांड का आउटलुक इनका काफी स्ट्रांग है, जो ATF में शिफ्ट वगैरह हो रहा है उसका काफी फायदा इन कंपनीज को मिलना चाहिए और प्लाईवुड से एक शिफ्ट है इसमें तो MDF वगैरह में उसका काफी फायदा इन कंपनीज को मिलना चाहिए और ज्यादातर एक्सपेंशन भी उसी में है क्योंकि वो लो कॉस्ट और फर्नीचर में एक्सेप्टेंस काफी बढ़ गया है, रिप्लेसमेंट साइकिल छोटा हो गया है तो वो सब चीजों का बेनिफिट इनको लॉन्ग टर्म में ये काफी उम्मीद कर रहे हैं। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यूजुअली अगर आप देखें तो इंडस्ट्री के कभी भी बहुत ज्यादा हाई रहते नहीं है और कैपेक्स की जो स्केल की रिक्वायरमेंट है मिनिमम नए यूनिट डालने की वो काफी बड़ी होती है, तो एक बार ये बड़ा कैपेक्स करते हैं तो उसके बाद वेटिंग टाइम काफी रह सकता है क्योंकि सिंगल यूनिट बैठाने का जो पर यूनिट कॉस्ट है वो थोड़ा ज्यादा है अगर आपको एक स्केल अचीव करना है तो ये चैलेंज के साइड पे वही है, तो बहुत सारे नए एंट्रेंट्स बहुत ज्यादा कैपेसिटी डाल के नई एंट्री आने की गुंजाइश कम है और फर्नीचर के साइड पे डिमांड काफी रोबस्ट है और वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है पूरी स्पेस में जो कभी भी नहीं रहती है तो ठीक है मतलब, बट ऐसा मैं बहुत ज्यादा गंग हो नहीं। ओके, तो ये है आपके लिए फिलहाल राय, भले एक्सपेंशन प्लान है लेकिन वैल्यूएशंस भी उसी हिसाब से तो थोड़ा